आपको यार तो दीदी आप अपना नाम थोड़ा हमारे दर्शकों को कृपया बताने कष्ट करें। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ, जबलपुर जा रहे हैं गाइस पैदल। नहीं जाना है हमको जबलपुर, एबीवीपी की हमारी क्या है कि बैठक है जबलपुर में, तो वहाँ हमको जाना है। तो जाना था रेलवे ही था, पर क्या ही बताएं, स्ट्राइक के चक्कर में गाड़ी नहीं मिली, स्ट्राइक के चक्कर में हमको गाड़ी नहीं मिली, तो इसलिए कार्यालय जा रहे हैं। वहाँ से कोई सुविधा है ले जाने के लिए, बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस रेलवे पहुंच चुके हैं, रेलवे है आपको यार गली में आज चांदनी के। अंशु जी आप जबलपुर जा रहे हैं अपने बैठक में, तो आपको बताइए कैसा लग रहा है, तो कुछ बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? जी बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी चलना चाहिए, आप भी चल रहे हैं? तो जी मैं तो चल ही रहा हूँ, आप बताइए आप कैसा लग रहा है? बात बताइए आप कैसा लग रहा है, आपको जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ अनुभव प्राप्त करने का, कैसे घूमने? जी मैं सीखने जा रहा हूँ। जी जी साहब आप भी जबलपुर जा रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में बैठकर, बताइए आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कहाँ से हैं आप? अच्छा देवतलाव से। दायित्व आपको बताइए भाई साहब। मैं नगर मंत्री हूँ। अच्छा नगर मंत्री है देवतलाव से। जी आप वहाँ प्रांत कार्यालय मतलब यानी जबलपुर जा रहे हैं जी, जी तो कैसा अनुभव लग रहा है आपको, क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। परिचय दें। मैं अनुराग संस्कृत ठाकुर रणम सिंह महाविद्यालय का अध्यक्ष जी। अरे होइगा होइगा। और सभी को मैं नमस्कार करता हूँ जी। मैं आपके समक्ष आया हूँ, अभी हमारी अपनी एक प्रांत कार्यालय में बैठक होने जा रही है, जब सुनिश्चित की गई है 3 तारीख को, हम सभी वहाँ पर ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता कुछ अपने ये जा रहे हैं जी। लोग यहाँ पे देखिए दर्शकों कितना साहस के साथ ऐसे जा रहे हैं वहाँ पर, हम अपने अनुभव मतलब कि हमें महाविद्यालय में किस प्रकार से काम करना है जी, महाविद्यालय में हम क्या करना है, हम उसे वहाँ सीखने जा रहे हैं जी। सीख कर हम सभी को बताना चाहते हैं कि भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन, जो कि छात्र हित में कैसे काम करता है। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, आप अपना परिचय देंगे थोड़ा सा। मेरा नाम मोहन सिंह विश्वविद्यालय का इकाई मंत्री हूं विद्यार्थी परिषद जी। जी तो आप भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? संगठन मंत्री प्रफुल्ला कांत जी का प्रवास लगा जी जी, उसमें कुछ समसामयिक विषयों पर चर्चा होनी उसकी बैठक। तो आपको कैसा लग रहा है भाई साहब वहाँ जाने में, कैसा अनुभव प्राप्त हो रहा है? अच्छा है और हर्ष का माहौल है, सभी कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से, और सभी नगर मंत्री और अध्यक्ष और सभी इकाई मंत्री जा रहे हैं बैठक के लिए, और कल बैठक दर्शकों को हमारे आप कुछ बताना चाहेंगे? दर्शकों से कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ठंडी बहुत है, बच के रहे और कोट और स्वेटर का इस्तेमाल जरूर करें। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपका बहुत। तो दीदी आप अपना नाम थोड़ा हमारे दर्शकों को कृपया बताने कष्ट करें। जी आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करती हैं? जी कुछ दायित्व आपका दीदी बताइए थोड़ा दर्शकों को, तो जान जी। आप दीदी ऐसे बैठ के ट्रेन में कहाँ जा रही हैं? जबलपुर। किसी उद्देश्य से? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत की बैठक है, तो उसके उद्देश्य से आप जा रही हैं जी। इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में उही रहना है। गजब बेइज्जती है। जय श्री राम, जय जय श्री
जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम एक कैनारा एक कैनार जय श्री राम जय श्री राम मातरम मातरम वंदे मातरम तो गाइस खा पी के रूम में आ गए हैं रहने की और यहाँ की व्यवस्था दिखा बहुत ही अच्छी है। ये देखिए एक रूम में चार से पांच बंदे के लिए है फुल व्यवस्था। ये देखिए और अध्यक्ष मंत्री के लिए एक ही रूम है, बाकी नगर मंत्रियों का अलग है, गर्ल्स का अलग है, हम लोग का अलग है और बढ़िया व्यवस्था है, एक नंबर चकाचक। हेलो गाइस बाकी मस्त है, सुबह मिलते हैं आप लोग से, सुबह मिलेंगे, अभी तो खा पी के मस्त होएंगे। अजय बनाना गांव गांव तक जाना है गांव गांव तक जाना है। वंदे मातरम भारत म
माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ए भैया कहा है इनका श्री राम भाई साहब। सन मुक्त पर्यावरण युक्त भारत ये अपना अभियान चल तो प्राचार्य से मिलने गया प्रवास के अंतर्गत। तो प्रवास में वो प्राचार्य मैडम ने कहा कि आपका विषय तो बहुत अच्छा है परंतु आपके जो कार्यकर्ता ये विषय को लेकर आ रहे थे वो स्वयं कॉलेज के गेट पर गुटके की पूरी खाकर आ रहे थे। तो ये हंसने की बात है क्या? ये शर्मनाक बात है। प्रदर्शनी भी लगाना तो ऐसे अलग अलग करेंगे तो अलग अलग प्रकार के छात्रों को मौका मिलेगा। तो अपना कॉलेज यूनिट ये लाइव है इसलिए अब हम जो काम कर रहे हैं ना उसमें बहुत संभावना है, बहुत विकास की संभावना है, बराबर है। पर नहीं तो हम कॉलेज कार्यकारिणी की घोषणा करके कुछ नए प्रयोग नहीं करते। तो नए प्रयोग करना, नए प्रयास करना। जय जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।